Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. मुंबई में भारी बारिश हो रही है, आपके यहाँ क्या हो रहा है? तो हमारे कंप्यूटर जी इसीलिए लेट हैं, बहुत लोग लेट थे. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, हमेशा की तरह जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है. हमारा आज का मोटिवेशनल कोट क्या है देखते हैं यहाँ पर. ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट. नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस. आशावादी बने रहना चाहिए हमेशा. ऑप्टिमिस्टिक जो हमारे अंदर ये भावना होती है ना, हमें कुछ भी कर गुजरने की शक्ति देती है. और अगर हम निराशावादी हैं तो वाकई में हम नहीं कर पाते. अच्छे लोगों के साथ रहिए हमेशा, मैं कहता हूँ हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए. ऐसे लोगों से बात करिए जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, क्योंकि आपको 100 में से एक ही इंसान ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव होगा, वरना बाकी सब निगेटिव होंगे. और दूसरों से कभी अपने आप को कंपेरिजन मत किया करिए. हो सकता हो कोई पर्सन ऐसा हो जो कि 2-3 साल से तैयारी कर रहा है बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप वो इंसान नहीं है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी. आप अलग हैं और आप अलग करने के लिए ही आए. तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए हमेशा. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की. आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपको हम पढ़ाने वाले हैं. यहाँ पर इंडेक्स की हम बात करेंगे. कंप्यूटर जी से गुजारिश है कि थोड़ा सा ठीक कर दें स्लाइड, ताकि स्लाइड कट रही है हमारी. डेज एंड इवेंट से लेकर एक्स्ट्रा हाईलाइट तक हम पढ़ाएंगे. और वैसे भी हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं. कल हमने इसका एक वीडियो भी बनाया था. और आप लोग को थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर मोटिवेशन. जी हाँ बिल्कुल, आप भी हमें मोटिवेशन देते हैं, तभी तो हम कुछ करते हैं आपके लिए. चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले न्यूज़ के साथ और स्टार्टिंग करेंगे डेज से. 27 जून वर्ल्ड MSME डे सेलिब्रेट किया गया पूरे दुनिया में. हम उसकी बात करने वाले हैं आपसे. यहाँ पे देखिए तो 27 जून को वर्ल्ड MSME डे, इंटरनेशनल MSME डे सेलिब्रेट किया गया, आपके सामने यहाँ पर है. ठीक है, तो डेट आपको याद रखनी है, इसकी थीम नहीं थी. तो 27 जून को MSME डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बस यही पढ़ना है और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी सब कहानियां हैं. तो हम और इसमें डीप में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे. और आगे बढ़ने से आपको एक रिवीजन कराएंगे. आपको पता है कि 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेट किया जाता है. और इस बार की थीम क्या थी? हेल्थ फॉर जस्टिस एंड जस्टिस फॉर हेल्थ, है ना. आपको पता है कि 21 डे को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 5th योगा डे इस बार सेलिब्रेट किया गया. और रांची से सेलिब्रेट किया गया, ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है. योगा डे की थीम तो आपको लर्न होगी होगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ ही साथ देख लीजिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को सेलिब्रेट किया गया. और इस बार की थीम क्या थी? हैशटैग स्टेप विथ रिफ्यूजीज, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. ये सब एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको याद करना जरूरी है. आगे बढ़े तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे 17 जून को सेलिब्रेट किया गया. और इस बार की थीम क्या थी? लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, ये थीम थी. यानी डेज और थीम दोनों आपको हम दिखा रहे हैं. साथ ही साथ अगर हम बात करें जून मंथ की, तो पूरा का पूरा जून मंथ LGBTQ प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ये भी आपको बताया गया है. LGBTQ इसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर्स एंड क्वीर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब MSME की बात है, क्वेश्चन यहाँ पे सामने जरूर आएगा. विच बैंक हैज लॉन्च कॉर्प SME सुविधा, अ प्रोडक्ट फॉर GST रजिस्टर्ड MSME. यानी किस बैंक ने कॉर्प SME सुविधा शुरू किया, जो कि GST रजिस्टर्ड MSME के लिए एक प्रोडक्ट है. ये बैंक कौन सा, इसका नाम आपको बताना है. इसका नाम क्या है? हिंदी में क्लास लीजिए बेटा, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं. मेरा बहुत मन था कि मैं साउथ की भाषा सीखूं, लेकिन नहीं सीख पाया, हिंदी तो है ना. इसका आंसर क्या हुआ? कॉर्पोरेशन बैंक, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. तो कॉर्पोरेशन बैंक इज राइट आंसर. हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. हाउ मैनी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द करंट कंट्री बाई नीति आयोग टू एक्सेलरेट MSME डेवलपमेंट एफर्ट इन दिस डिस्ट्रिक्ट. मतलब नीति आयोग द्वारा MSME विकास के प्रयासों में तेजी लाने के लिए देश में कितने संभावित जिलों की पहचान की गई. चलिए 5 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 117. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. टेस्टबुक का एप्लीकेशन, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी, हम देख लेते हैं. हमारी टेक्निकल टीम अभी 10 o'clock के बाद आएगी, तो देख लिया जाएगा. चलिए जसपाल बोल रहे हैं कि संस्कृत में बोलिए.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द रिवाइवल ऑफ द एमएसएमई सेक्टर. हु इज द हेड ऑफ द कमेटी? याद है ना, मैंने कल ही आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5000 करोड़ रुपए का एक स्ट्रेस्ड फंड दिया है, मतलब फंड देने की बात बोली है. और इसका आंसर क्या होगा? यूके सिन्हा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. आइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और की. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड विथ M1 एक्सचेंज फॉर MSME बिल डिस्काउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने MSME बिल में छूट के लिए M1 एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट किया है? आंसर क्या इसका होगा? इसका आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए आपको. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन, अपने न्यूज नंबर 2 की. और डेज और इवेंट की बात कर रहे हैं बिम्स्टेक. आपको पता है ना कि इस बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज आए थे. मतलब जो लुक ईस्ट नीति हमारी है और पड़ोसियों को पहले हम भाव देंगे इस बार, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो कर रही है, तो बिम्स्टेक के मेंबर तो आए थे. तो इसी के बारे में एक न्यूज़ है. बिम्स्टेक डे सेलिब्रेटेड इन ढाका. तो ढाका में मनाया गया बिम्स्टेक दिवस. आइए इसके बारे में हम बात करते हैं. देखिए, 7 मेंबर कंट्री हैं बिम्स्टेक में. इसका फुल फॉर्म है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. बिम्स्टेक सेलिब्रेटेड द बिम्स्टेक डे इन ढाका ऑन 25 जून. 25 जून को बिम्स्टेक डे ढाका में सेलिब्रेट किया गया. और ढाका के फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है डॉक्टर AK अब्दुल मोमन, ये चीफ गेस्ट थे. इनका भी नाम आपको लर्न करना है. ढाका में सेलिब्रेट किया गया 25 जून को बिम्स्टेक डे. और इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है डॉक्टर AK अब्दुल मोमन. तो ये भी आपको लर्न करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं यहाँ पर. ठीक है, एक्टिंग हाई कमिश्नर विश्वदीप डे ने इसको रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस इवेंट में. तो ये भी देख लीजिएगा, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. चलिए, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मेंबर कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे. हालांकि फिगर में मैंने आपको दिखा दिया है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लेकिन फिर भी देखिए, बिम्स्टेक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1997 में हुआ. इसका सेक्रेटरिएट, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है. मेंबरशिप की बात कर लें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड मेंबर कंट्री हैं. और अभी राइट नाउ चेयरमैनशिप किसके पास है? श्रीलंका के पास है. श्रीलंका के पास चेयरमैनशिप 2018 से है. और आगे बढ़े तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, इन 7 कंट्रीज की कैपिटल, करेंसी और इनके हेड कौन है, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, हमने इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी है. यानी कि अगर आप ये स्लाइड पढ़ लेंगे तो आपको कम से कम 7 कंट्रीज के कैपिटल करेंसी तो लर्न हो ही जाएगी. ठीक है, थाईलैंड की देख लीजिए, बहुत काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे क्वेश्चन की. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इंडिया इसमें से किस संगठन का मेंबर नहीं है? SAARC, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, नाटो. तो बिम्स्टेक का तो है, ब्रिक्स का भी है ना, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया नाम ही है. SAARC का मेंबर है, तो नाटो का मेंबर नहीं है इंडिया. इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे अपॉइंटमेंट की. हमारा नेक्स्ट न्यूज आज का, तो अपॉइंटमेंट की बात करने वाले हैं. पहली न्यूज आपको हम क्या देने वाले हैं, देखिए, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र बत्रा वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में इन्हें एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया है. ये हमारे देश के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. इनका नाम क्या है? नरेंद्र बत्रा. तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है. स्पोर्ट्स में ये बड़ी न्यूज है. नरेंद्र बत्रा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, इन्हें मेंबर अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में. काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये. इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, आपको यहाँ पे भी मैंने बताया. और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता, आपको यहाँ पे इनका नाम दिखाई पड़ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को 1894 में बनाया गया. इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड है. अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लुसाने, स्विट्जरलैंड में ही अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हुई है. ये भी न्यूज़ था करंट अफेयर्स में. ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें, जर्मनी के हैं प्रेसिडेंट थॉमस बाक जो है प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, जर्मनी से बिलोंग करते हैं. इतना ही आपको पढ़ना है, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको फिर से रिवीजन कराएंगे. तो आपको मैंने कल पढ़ाया था समंत गोयल,
ये चीफ बन गए हैं रॉ के, समंत गोयल चीफ बन गए हैं रॉ के। अभी जो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उनमें जो लीड थी वो ये इन्होंने ही पूरा प्लान किया था देने का। समंत गोयल रॉ के चीफ बन गए हैं, आपको ये पता है। इसके बाद कृष्ण स्वामी नटराजन ये डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, आपको ये भी पता है, ये भी याद होगा, ठीक। इसके बाद राघवेंद्र सिंह चौहान ये चीफ जस्टिस बन गए हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के इन हैदराबाद, तो ये भी आपको पता होगा, पढ़ाया तो है ये मैंने आपको। और देख लेते हैं, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं रामा सुब्रमण्यम, तो ये भी याद कर लीजिएगा। शेफाली जुनेजा इन्हें इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया ही है। और देख लेते हैं, चलिए इतना ही है। अब बात करेंगे ऑबिट्रीज की, और ऑबिट्रीज की बात करेंगे मतलब हम डेथ की बात करेंगे, जो सबसे कम पसंद है मुझे पूरे न्यूज़ में, आपको ये पता है। देखिए तो क्या क्या न्यूज़ आपको हम देंगे, कौन किसकी किसकी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हो गई है, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए तो पहला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक लेडी दिखाई दे रही है, इनका नाम क्या है, ये एक डायरेक्टर और एक्टर थी, इनका नाम था जी विजय निर्मला। इनका निधन हो गया है। इन्होंने 44 फिल्म्स डायरेक्ट की है तेलुगु लैंग्वेज में, 44 मूवी डायरेक्ट की है इन्होंने तेलुगु में, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है एज द फीमेल डायरेक्टर ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म। सबसे ज़्यादा मतलब मूवीज को डायरेक्ट किया इन्होंने एज अ फीमेल, तो 44 फिल्म्स को, तो इसीलिए ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जी विजया निर्मला। ऑप्शन तो ऑप्शन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या थी, तो ऑप्शन सर्च करिएगा, डायरेक्टर एंड एक्टर थी, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, ऑबिट्रीज इन मे 2019 मई में जो फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई है वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसकी टेबल हमने आपको यहाँ पर दी है आपके क्विक रिवीजन करने के लिए, तो आपको याद करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने पूरी टेबल आपको यहाँ पर दे दी है आपके रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समिट कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की बात करेंगे। समिट कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में कौन कौन सी न्यूज़ लेकर आपके लिए यहाँ पर आए हैं, देखिए यहाँ पर तो मीटिंग ऑफ पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव हेल्ड, पेरिस संधि पहल की बैठक आयोजित की गई, कहाँ की गई, अफगानिस्तान में की गई, तो आइए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। किसने किया ये, किसने होस्ट किया इस इवेंट को, देखिए यहाँ पर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, इंडिया की बात हो रही है। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज होस्टिंग अ मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव इन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव की मीटिंग हुई जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने होस्ट किया। देखिए यह मीटिंग 27-28 जून तक चली और ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के सपोर्ट से ये मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर तो पेरिस पैक्ट इज अ ग्रुप ऑफ 58 कंट्रीज एंड 23rd इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड विथ ड्रग ट्रैफिकिंग ऑफ अफगान ओपिएट्स। देखिए तो ड्रग ट्रैफिकिंग ऑफ अफगान ओपिएट्स कहते हैं ना, इसके विरोध में ये पेरिस पैक्ट साइन हुआ था, 58 कंट्रीज और 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें एज ए मेंबर काम करती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, ये न्यूज़ आपको दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में हमने कल भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी कौन है, राजीव कुमार हैं। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम नाम आपको लर्न होना चाहिए। आगे बढ़े और यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान इससे घिरा हुआ देश है। अफगानिस्तान की बात करें तो कैपिटल काबुल है, करेंसी अफगानी है और प्रेसिडेंट अशरफ घनी है, तो ये भी आपको याद होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं और फ्रांस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। फ्रांस क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट है ये, तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं एडवार्डो फिलिप, प्रेसिडेंट हैं एमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल पेरिस, करेंसी बेसिकली यूरो यहां पर चलती है। चलिए चाहने वाले आ गए मेरे, तुम लोग बड़े खुश हो रहे हो। चलो आगे देखते हैं और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की बात कर लेते हैं।
तो फॉर्मेशन 1997 में हुआ इसका, हेडक्वार्टर वियना, देख लीजिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम काफ़ी न्यूज़ में है, तो एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर देखिए है गवर्नमेंट आइस 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 500 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित होनी चाहिए, ये लक्ष्य बनाया भारत सरकार ने। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि किस ईयर तक, तो 2030 तक कितनी क्षमता, तो 500 गीगावाट। आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो इंडिया अनाउंस्ड एन एम्बिशियस एम टू सेटअप 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस ईयर तक कितनी बिजली, ये आपको लर्न करनी है, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेरेशन कहां पे किया, 17th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी काउंसिल इन अबू धाबी। अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की 17th मीटिंग अबू धाबी में हुई, जहां पर इंडिया ने इस बात का ऐलान किया था। तो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है इंडिया को। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल विंड पावर हो गया आपका, या फिर सोलर पावर आपका हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया करंटली हैज एन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अराउंड 80 गीगावाट। तो राइट नाउ अभी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 80 गीगावाट बिजली पैदा करने की है, और हमारा टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। काफी बड़ी बात होगी ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अबू धाबी में, या सॉरी मसदर सिटी है अबू धाबी में। इसका लोकेशन मतलब अबू धाबी में ही मसदर सिटी यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अबू धाबी, मसदर सिटी यूनाइटेड अरब एमिरेट, याद कर लीजिएगा, ठीक। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अदनान जेड अमीन इसके डायरेक्टर जनरल है। 2009 में इसको बनाया गया था। 160 मेंबर कंट्रीज की हैं, और यूरोपियन अलग से, तो यूरोपियन यूनियन और 160 देश जो हैं इसके मेंबर हैं, ये भी याद करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात बोलिए कि कंप्यूटर जी टेस्टबुक एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों को हम मैं बोल दे रहा हूँ कि कंप्यूटर जी आधे घंटे में रिजॉल्व कर देंगे, है ना। हाँ चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और अब रिसेंट समिट कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग की आपको हम स्लाइड यहाँ पर दे रहे हैं, कौन कौन सी समिट होने वाली है या हो चुकी है, कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसका वेन्यू क्या है, इसका एम क्या है, ये सब कुछ देख लीजिए। ओशियन कॉन्फ्रेंस 2020 मैंने आपको पढ़ाया था, ये पुर्तगाल लिस्बन में होने वाला है। तो जो आगे होने वाला है और जो हो चुके हैं वो सब की लिस्ट हमने आपको यहाँ पर दी है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी आपके लिए, ठीक। आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं इन सारे पॉइंट का। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको लेके चलते हैं एक क्वेश्चन पे। द एनुअल मीटिंग ऑफ द एशिया पैसिफिक एक्रीडिएशन कॉरपोरेशन वेयर हेल्ड इन विच कंट्री। तो एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई, सिंगापुर, चाइना, भारत, रशिया और वियतनाम। तो पांच ऑप्शन आपके पास हैं और इसका आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर, सिंगापुर इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, वेयर वॉज द 16th एशिया मीडिया समिट हेल्ड इन जून 2019। जून 2019 में 16वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया जाएगा। आपके सामने पांच ऑप्शन है और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द आंसर, एंड द राइट आंसर इज कंबोडिया, ऑप्शन नंबर थ्री, कंबोडिया इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपसे एक क्वेश्चन पे और, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कंसल्टेशन ऑन टोबैको एंड लंग हेल्थ टू कमेमोरेट द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2019। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि ऑप्शन नंबर फोर, बोथ वन एंड टू। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेशनल अफेयर्स में न्यूज आपको हम देने वाले हैं, कौन कौन सी न्यूज आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए पहले न्यूज, गूगल मैप्स लॉन्च स्टे सेफर फीचर। तो गूगल मैप्स ने भारत में एक स्टे फीचर एप्लीकेशन को इनबिल्ट किया है गूगल मैप्स में ही। ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा, पहले नाम याद कर लीजिएगा, स्टे सेफर फीचर को इसमें इनबिल्ट किया गया है। इस फीचर के हिसाब से क्या होता है कि आपको मालूम चल जाएगा, अगर आप कोई कैब या कोई ऑटो करते हैं और आपका जो रास्ता है, अगर उस रास्ते से आपकी कैब या आपका ऑटो डाइवर्ट होता है तो आपको मालूम चल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना लाइव लोकेशन अपने दोस्तों
यारों, सखी सहेली और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि कोई आपको ट्रेस करता रहे, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो देख लीजिए अंशुल पांडे, आप काम बढ़ने वाला है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर। तो ये तो ठीक है, भावनाओं को समझने वाली बात है। चलिए गूगल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी दी आपको। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, सुंदर पिचाई सीईओ है, रूथ पोराट इसके सीएफओ हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विथ होम डिड गूगल पार्टनर इन अप्रैल 2019 टू अलाउ गूगल पे यूजर्स टू बाई एंड सेल गोल्ड थ्रू द एप्लीकेशन। तो गूगल ने भुगतान उपयोगकर्ताओं को ऐप के माध्यम से सोना खरीदने और बेचने की अनुमति देने के लिए इनमें से किसके साथ भागीदारी की थी। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा MMTC PAMP। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन पहले भी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, क्वेश्चन और, ड्विडलिंग यूजर बेस हैज फोर्स गूगल टू शट डाउन इट्स वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म, वॉट इज द नेम ऑफ गूगल्स प्रोफेशनल्स VR वीडियो सोल्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैंने पढ़ाया भी है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जंप, ऑप्शन नंबर 4, जंप इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके सामने हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से और गूगल से जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ होंगे। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अनवील्ड बाय गूगल इन मार्च 2019। मार्च 2019 में गूगल द्वारा शुरू किए गए वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। 5 ऑप्शन आपके पास है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेडिया, ऑप्शन नंबर 1, स्टेडिया इज राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आपसे यहाँ पे रिसेंट नेशनल अफेयर्स के रिवीजन की। तो आपको ये बताया गया था कि 22nd शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक मूवी, इंडिया की एक मलयालम मूवी जिसका नाम था वेल मरंगल, इसके डायरेक्टर थे बिजू कुमार दामोदरन, तो इसको आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिविजन करने के लिए सारे पॉइंट हैं। दूसरी न्यूज देखिए यहाँ पर, तो गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस। यूनिवर्सल स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस एक कार्ड होगा जो कि लैमिनेट होगा। अब इस पर चिप होगी या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, आपका पूरा इसमें डेटाबेस होगा, ठीक है। यूनिवर्सल स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक। और देख लीजिए, होम मिनिस्ट्री ने अभी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने बताया है कि 64 पीपल डाइड एंड ओवर 1.4 लाख हेक्टेयर क्रॉप एरिया अफेक्टेड ड्यू टू साइक्लोन फैनी इन ओडिशा। 64 लोग की मृत्यु हुई थी और 1.4 लाख हेक्टेयर क्रॉप एरिया अफेक्ट हुआ है साइक्लोन फैनी की वजह से ओडिशा में। तो ये भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं, टू कमोमरेट 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर द इंडियन एयरफोर्स टर्न द ग्वालियर एयरबेस वर्चुअली इन टू अ कॉन्फ्लिक्ट थिएटर विद ड्रामेटिक। ये मैंने आपको बताया था कि 20 साल पूरे होने पर इंडियन एयरफोर्स ने ग्वालियर में एक जश्न मनाया था, याद होगा आपको शायद। तो ये वही वाला पॉइंट है जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स में कौन कौन से न्यूज़ आपके लिए हम लेकर आए हैं वो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं उसकी। देखिए, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्ट्रेप्ड AIBA ऑफ ओलंपिक स्टेटस। तो क्या इसका मतलब है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बॉक्सिंग एसोसिएशन से उनका ओलंपिक स्टेटस छीन लिया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्ट्रिप्ड ओलंपिक स्टेटस फ्रॉम द ट्रबल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी AIBA। तो AIBA का ओलंपिक दर्जा छीन लिया गया है, यानी कि 2020 में जो टोक्यो गेम्स होंगे ओलंपिक के, उसमें फाइनल टूर्नामेंट जो पूरा है ये अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही होस्ट करेगी, न कि AIBA करेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि AIBA इज नियरली बैंकरप्सी विथ डेप्ट ऑफ अबाउट $17 million 17 million US डॉलर के उधार में फंस गया है AIBA। मतलब कहा गया कि काफ़ी करप्शन हुआ है, इस वजह से AIBA जो है इसके ऊपर इतना उधार आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। 1946 में इसको बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और गफूर रखीमोव इसके प्रेसिडेंट हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक। देख लीजिए, अब इसके साथ एक बड़ी कमाल की न्यूज़ हमने आपको दी है, लिस्ट ऑफ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट फ्रॉम 2019 to 2023। तो 2019 से लेकर 23 तक के जो भी स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं वो कहां पर होने वाले हैं, किस ईयर में होने वाले हैं, हमने उसकी लिस्ट आपको दी हुई है। ये पूरी लिस्ट 2019 की है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। मतलब ये लर्न कर लीजिए, ये मेरी बात मानिएगा, लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मेरी बात मानिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए,
तो पूरी हमने आपको 2019 की लिस्ट दी है, कहाँ कहाँ पे कौन से देश में कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला या हो चुका है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे। अब 2020 की बात करते हैं, 2020 की हम बात कर रहे हैं, पूरा पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है। ठीक, 2021 की बात कर ले, देख लीजिए उसकी भी लिस्ट हमने आपको दी हुई है यहाँ पर। 2022 की भी लिस्ट हमने आपको दी है, किस किस देश में कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होंगे। और 2023 की भी लिस्ट हमने आपको दी है, और इसमें इंपॉर्टेंट एशियन गेम्स देख लीजिए यहाँ पे चाइना में होने वाला है। तो ये सब कुछ आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक्स्ट्रा हाईलाइट में आपको और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको हम देंगे आज। देखिए, तो पहला पॉइंट है, MOA signed to set up center for inland and coastal maritime technology at IIT Kharagpur। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे देश में, आइए आगे चलते हैं तो और क्लियर आपको कर दूंगा मैं। देखिए, अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड IIT Kharagpur। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और IIT Kharagpur के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो IIT Kharagpur में एक सेंटर बनाया जाएगा जो कि शिप डिजाइनिंग, बिल्डिंग और टेस्टिंग करेगा। मतलब जो शिप्स होते हैं उनको डिजाइन करना, उनको टेस्ट करना, तो ये सब किया जाएगा इंडिया में IIT Kharagpur में। और आपको पता है ऐसे बहुत कमी देश हैं जिनके पास एक ऐसा सेंटर डेवलप हो जहां पर शिप की डिजाइन की जाए। ये शिप की डिजाइन किन किन देशों में अवेलेबल है देख लीजिए, तो जर्मनी के पास है, नीदरलैंड के पास है, रशिया के पास है और बेल्जियम के पास है। ये चार देश ही हैं जिनके पास शिप डिजाइनिंग, शिप बिल्डिंग, शिप टेस्टिंग सारी फैसिलिटीज हो। तो IIT Kharagpur में ये सेंटर बनाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने IIT Kharagpur के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये पॉइंट आपको मैं बता रहा था बस। ठीक है, तो पहला न्यूज आपका हमारा एक्स्ट्रा हाईलाइट में। न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं, सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड पैनल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्टर्स। तो केंद्र सरकार एक कमेटी बनाएगा जो कि मिनिस्ट्रीज के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करेगा। क्यों हुआ है आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं क्या इसका मतलब है। देखिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म अ कमेटी फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कोई भी प्लान बनाएगी तो उसका अफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कैंसिल कर दे रहा था, तो दोनों मिनिस्ट्री के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो इस लड़ाई को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी को लीड करेंगे पीके सिन्हा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो लीड करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए पीके सिन्हा कमेटी को बनाया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, आपस में भाई उलड़ रहे हैं, देख लो यही होता है। न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, तो होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलीज द रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर 2018। तो होम मिनिस्ट्री ने पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग जारी की है। इस पिक में आपको पूरे मैंने दिखाए हैं कौन सा रैंक फर्स्ट है, कौन सा रैंक टॉप 10 पुलिस स्टेशन की रैंक मैंने आपको दिखाई है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रैंकिंग निकाली है पुलिस स्टेशन की 2018 की, और इसमें टोटल 15,666 पुलिस स्टेशन पर सर्वे किया गया था, और 15,000 पुलिस स्टेशन में द कालू पुलिस स्टेशन इन बीकानेर ऑफ राजस्थान वॉज रैंक बेस्ट पुलिस स्टेशन। कालू पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। ये बीकानेर राजस्थान का पुलिस स्टेशन है। सेकेंड नंबर पर कैंबल बे पुलिस स्टेशन इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वॉज रैंक सेकेंड। तो कैंबल बे पुलिस स्टेशन जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का पुलिस स्टेशन है उसको सेकेंड रैंक मिली है, और फरक्का पुलिस स्टेशन इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल वॉज रैंक थर्ड। तो कैंबल बे सेकेंड, फरक्का पुलिस स्टेशन को थर्ड नंबर पर रैंक मिली है, ये भी आपको लर्न करना है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं, कर्नाटक के गिरीश कौशिक भारत के 63rd ग्रैंड मास्टर बन गए चेस के। तो गिरीश कौशिक ऑफ कर्नाटका बिकेम इंडिया 63rd ग्रैंड मास्टर। देखिए, तो 22 ईयर ओल्ड गिरीश ए कौशिक ऑफ मैसूर कर्नाटका, मैसूर के हैं ये, बिकेम इंडिया 63rd ग्रैंड मास्टर एट द 37th बेल्टन इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इन हंगरी। यानी कि पहले ये याद करना कि 37th बेल्टन इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल कहां पर हुआ, हंगरी में, जिसमें गिरीश ए कौशिक ने पार्टिसिपेट किया और ये इंडिया की तरफ से 63वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये भी याद करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं, तो हेड ऑफ अमेजन इंडिया अमित अग्रवाल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IAMAI।
अब ये IAMAI क्या होगा वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये याद कर लो कि अमेजन इंडिया की हेड कौन है, अमित अग्रवाल है, ये याद कर लीजिए पहले। देखिए अमित अग्रवाल, अमेजन इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री हेड, वॉज नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल नाम याद कर लीजिएगा। इन्होंने राजन आनंदन को रिप्लेस किया है, इन्होंने राजन आनंदन को रिप्लेस किया है, ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यूज़ नंबर सिक्स की। न्यूज़ नंबर सिक्स की बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्स बुपा एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो मैक्स बुपा पार्टनर्स विथ मोबीविक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैक्स बुपा ने मोबीविक के साथ एक एग्रीमेंट किया है, मतलब अगर आप मोबीविक चलाते हैं तो आप वहीं एप्लीकेशन से मैक्स बुपा की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबके लिए नहीं है, ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है और युवाओं के लिए, ऐसे युवा जिनका जन्म 21st सेंचुरी में हुआ है और जो मतलब यंग हो रहे हैं बड़ी तेजी से, उनके लिए ये पॉलिसी आई है। देखिए यहाँ पर मैक्स बुपा पार्टनर्स विथ मोबीविक टू प्रमोट बाइट साइज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर मोबीविक ऑफ 107 मिलियन कस्टमर। तो मतलब क्या हुआ देखिए इसका, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड मिलेनियल्स। मिलेनियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी की कोई बच्चा है जो कि 2001 या 2002 में पैदा हुआ है, अब 2019 चल रहा है, मतलब वो तेजी से मैच्योर हो रहा है, तो उनके लिए ये पॉलिसी आई है। फिलहाल आपको इतना डीप में नहीं जाना है, मैक्स बुपा और मोबीविक के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ये याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर सेवन की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक कमिट $31.58 मिलियन लोन फॉर उत्तराखंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो उत्तराखंड को $31.58 मिलियन का लोन दे रहा है, वो बात आपको बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $31.58 मिलियन फॉर उत्तराखंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा वर्ल्ड बैंक दे रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट को, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट तो हमने आपको बता दिया, अब मेरे ख्याल से एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। पहला न्यूज़, पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपको उसका आंसर देना है। विच पर्सन इज अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन यूके इंडिया रिलेशंस सेलिब्रेटिंग वुमेन लिस्ट। तो क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पर हमारे सामने 5 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इज राइट आंसर, आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्वायर एल्ट्रेन टेक्नोलॉजी एसे इन अ 3.6 बिलियन यूरो डील इन ऑर्डर टू विन मोर टेक क्लाइंट एंड कीप अप राइवल्स। मैंने देखिए ये न्यूज आपको पढ़ाई नहीं थी तो एमसीक्यू में मैंने आपको दे दिया। तो निम्न में से कौन अधिक तकनीकी ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदियों के साथ बने रहने हेतु 3.6 बिलियन यूरो सौदे में अल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी ऐसे का अधिग्रहण करेगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में, इनमें से कौन सी कंपनी अल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी का को मतलब एक्वायर कर रही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कैपजिमी है, ऑप्शन नंबर 3। कैपजिमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़ी कंपनी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बस तुरंत आ रहा है, देखिए यहाँ पर। According to a report by credit rating agency, gross NPA in the banking system are set to fall to at which percent by March 2020? From 11.5% in March 2018। मैंने आपको कल ही ये पढ़ाया था और इसका आंसर क्या होगा, ये आपको देना है इसका आंसर। And the right answer is, option number 2, 8%। तो 8% तक NPA रह जाएगा 2020 मार्च तक, तो ये भी पॉइंट आपको बता है। हम आगे बढ़े और बात करते हैं अपने न्यूज़ नंबर 4 की। Which railway station has become the first railway station in South Western Railway to receive the integrated ISO certificate? क्या इसका आंसर होगा, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मैसूर रेलवे स्टेशन। मैसूर रेलवे स्टेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया इन June 2019? बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? 5 ऑप्शन आपके पास है। एंड द राइट आंसर इज सुरेंद्र आहूजा, ऑप्शन नंबर 1। सुरेंद्र आहूजा इज राइट आंसर।
our next question. Who was appointed as the Director General of the Indian Coast Guard in June 2019? Padhaye hain ye bhi aapko. Iska answer kya hoga? Iska answer hoga Krishna Swami Natarajan, option number 2. आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की. रिसेंटली रोजर बेटले पास्ड अवे, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ विच कंपनी. हाल ही में रोजर बेटले का निधन हो गया, वो किस कंपनी के सह संस्थापक में से एक थे? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एयरबस. एयरबस इज राइट आंसर गाइज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. An RBI committee headed by UK Sinha has suggested how much amount stressed asset fund for domestic micro, small and medium enterprises. And the right answer is 5000 crore. Option number 4, 5000 crore is right answer. Next question. As per section of the Reserve Bank of India Act of 1934, the Governor and Deputy Governor are appointed by the Government of India. मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या इसका आंसर होगा? And the right answer is section 8 of the RBI Act. याद है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और next question की बात करते हैं. मेटे फ्रेडरिकसेन has become the youngest ever Prime Minister of which country? तो मेटे फ्रेडरिकसेन किस देश की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 4. डेनमार्क इज राइट आंसर. डेनमार्क इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन हर डेब्यू नॉवल द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी. तो निम्नलिखित में से किसने अपना पहला उपन्यास द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी लिखा है? ये आपको बताना है. आंसर क्या होगा? And the right answer is Meenakshi Lekhi, option number 4. Meenakshi Lekhi is right answer. Next question. Who among the following is coming out with his autobiography, Lesson Life Taught by Unknowingly? Yeh main aapko 3-4 din pehle padha chuka hun. And the right answer is Anupam Kher, option number 1. Anupam Kher is right answer. Next question. When did International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observe? तो ये मैंने अभी आपको रिवीजन भी कराया था. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून. 26 जून इज राइट आंसर गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु बिकम द फर्स्ट चाइनीज टू हेड द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. पहला चाइनीज इंसान जो कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा, हेड होगा उसका. तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्वा डोंगयू, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ये नया न्यूज है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, एमसीक्यू मैंने कवर कर दिया इसे. नेक्स्ट. विच कंट्री प्रपोज टू होस्ट 2023 आईओसी सेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 कौन सा देश होस्ट करेगा? ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इंडिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉन द 27th एडिशन ऑफ द हेले ओपन सिंगल्स 2019? ये भी मैंने एमसीक्यू में कवर कर दिया है. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर बी. रोजर फेडरर इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019, विच स्टेट टॉप्ड इन द लिस्ट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केरला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the Indian author who has been appointed the new director of Nehru Center in London. Answer. And the right answer is Amish Tripathi, option number A. ये भी news cover की गई है MCQ में आपकी, इसलिए मैं बोलता हूँ MCQ जरूर देखिए. Next question. रचना खेरा won the Journalist of the Year 2019 award for exposing. तो ये कल मैं आपको पढ़ाया था किस चीज़ के लिए इनको ये अवार्ड मिला है. तो इन्होंने आधार प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को एक्सपोज किया था इसीलिए. और आज का लास्ट क्वेश्चन. वॉट इज द नेम ऑफ द स्कीम प्लांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डबल फार्मर इनकम बाय द ईयर 2022? ये काफ़ी न्यूज़ में है, इस पर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा नहीं था. तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है,
और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कृषि विज्ञान केंद्र। आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 713 केंद्र बना रही है, याद होगा शायद आपको मेरे ख्याल से। चलिए अब ये पीडीएफ ले लीजिए आप लोग। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल आपसे फॉर करेंट अफेयर्स। जिनका भी LIC का पेपर है सबको बेस्ट ऑफ लक, मचा के एग्जाम में आइएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय हो।